सोशियोलॉजी का अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर टू पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर टू में फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी हमारा आज का टॉपिक है। तो अपने चैप्टर टू में हम साइंस ये कर चुके हैं एंड मेजर हमने करना है थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ रिसर्च। चैप्टर थ्री में पॉजिटिविज्म हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं और एक जो चीज़ हम आप अभी तक शायद जान रहे होंगे, जो हमारा पर्टिकुलर एक तरीका है पढ़ने का, वो क्या है, हर चीज़ को डिफाइन करना। लेट अस डिफाइन एवरीथिंग, ठीक है, डेफिनेशनल अप्रोच पे चलते हैं। हर चीज़ को डिफाइन करते रहो, आपको आंसर लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जैसे अभी शुरुआत करते हैं, लेट से ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन करना कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल बायसेस, कि मेरे जो पर्सनल जो मेरे प्रेजुडिस थे, जो मैं जिस तरह से मैं सोचता हूँ, जो प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस से अगर मैं इसको हटा दूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ऑब्जेक्टिव हो गया। लेट से अगर मैं अपने अपने प्रेजुडिस या अपने बायस, जिस तरह से मैं सोचता हूँ उसके हिसाब से अगर मैं अपना अपनी थ्योरीज बनाना शुरू करूँ तो मैं क्या बन जाऊँगा, आई विल लूज ऑब्जेक्टिविटी एंड आई विल स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स सब्जेक्टिविटी। ठीक है जी, सब्जेक्टिविटी कि जो सोच रहा है हर इंसान अलग तरह से। अब देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से चाहता हूँ समझाना ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी में फ़र्क क्या होता है। लेट से कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ओके, अब वैसे एक आपसे मैं पूछता हूं कि बताओ, लेट से अयोध्या में वहां पर क्या बनना चाहिए, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद एट्सेट्रा। ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, आपको बोलते हैं वो बताओ। ठीक है जी, लेट से अगर मैं जनरली बिल्कुल स्टैंडर्ड अजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि लेट से जो हिंदूज होंगे या फिर लेट से अगर आप हिंदूज किसी उनको बिलोंग करते हो कम्युनिटीज को, तो आप बोलोगे कि वहां पे लेट से कि लेट अस मेक एक राम टेम्पल बनाते हैं वहाँ पर। ठीक है, लेट से अगर आप लेट से मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आप कहोगे जी वहाँ पर एक वहाँ पर लेट से एक बाबरी मस्जिद बना देनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम काफ़ी सब्जेक्टिवली सोच रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं लेके आ रहे। जिस तरह के मैं अपने बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, जिस तरह मेरी सोशलाइजेशन हुई है, हो सकता है बहुत सारे हिंदूज खुद बोलते हैं कि नहीं, हमें ना यहाँ पर राम टेम्पल चाहिए, ना यहाँ मस्जिद चाहिए, या एक स्कूल बना दो। ठीक है जी, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी के क्या होता है कि मैं बिल्कुल थॉरली अंडरस्टैंड करूँ। लेट से आई गो बैक टू हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेल्प लेकर, यहाँ पे पहले क्या था क्या नहीं था जो भी, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिवली अगर मैं बताऊं कि यहाँ क्या होना चाहिए तो मैं अपने रिजल्ट दे रहा हूँ, तो मैं ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा हूँ। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि मैं अपने पर्सनल जो मैं जिस तरह विचारधाराएं हैं उनके अगर अंतर्गत में अगर आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए तो मैं सब्जेक्टिवली काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिवली एंड सब्जेक्टिवली समझ पा रहे हो आप। ठीक है, तो इसी कारण हम नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक जो यहाँ लिखा हुआ वर्ड वो है फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है, जो एम्पीरिकली वेरीफाइबल, जिसको आप अगर ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट से ब्रॉडली देखूं कि आपसे पूछा जाए कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो बोले कोई दिल्ली। अच्छा जी, न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो ये इट्स एन एम्पीरिकली वेरीफाइबल फैक्ट। जाके आप बुक्स देखोगे, सरकारी डॉक्यूमेंट देखोगे, आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके। एंड देन वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इज डिजायरेबिलिटी। दैट इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को आप वैल्यू करते हो ना, जैसे किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है, डायमंड्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू आप इससे वर्ड आपको थोड़ा समझना शुरू करो। वैल्यू इज कि जो डिजायरेबिलिटी है, लेट से डायमंड की डिजायरेबिलिटी इज मोर देन लेट से कोल, है ना, तो डायमंड की वैल्यू ज़्यादा है। सिमिलरली चीज़ों की वैल्यू हो सकती है, आप इमेजिन करो सोशल वैल्यूज़ भी होती हैं, सोशल वैल्यूज़ बहुत सारी होती हैं। हमने इस पे एथिक्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इसीलिए जो भी टॉपिक्स आते हैं ये वाले एथिक्स वाले, तो बहुत सारे सोशल वाले बच्चे द एंड परफॉर्मिंग वेल, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि अब एक सोशल वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, लेट से जनरली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में हस्बैंड होता है, जो हस्बैंड की हाइट इज ऑलवेज मोर देन वाइफ, इट इज़ डिजायरेबल। हो सकता है कि वाइफ की ज़्यादा हो हस्बैंड से, है ना, लेकिन डिजायरेबल क्या है, जब लेट से लड़की ढूंढने निकले लड़के के लिए, तो जनरली वो लड़कियाँ जो लड़के की हाइट से लंबी होती हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इट्स अ सोशल वैल्यू, कि ऐसा माना गया, डिजायरेबिलिटी मानी गई कि लड़का लंबा हो तो बेटर है। गेटिंग इट, तो ये जो कुछ बेसिक से टर्म्स हैं, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, आपको क्लियर होनी चाहिए तभी आगे बढ़ें तो बेटर रहेगा। ओके, आगे वैल्यू न्यूट्रलिटी नाम की क्या चीज़ होगी। वैल्यू न्यूट्रलिटी का सिंपल सा मतलब है कि मेरे लिए कोई भी चीज़ कोई खास ऐसे मायने नहीं रखती, मेरे लिए वो हस्बैंड की हाइट लंबी हो, लेट्स से वाइफ की लंबी हो, इट इज़ इररिस्पेक्टिव, दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए।
ठीक है जी। जिस तरह से देख रहे हो कि वैल्यूज किस तरह से बढ़ती जाती है आगे आगे, हमने स्ट्रैटिफिकेशन वाला एक हमने लेक्चर कवर किया था पीछे, स्ट्रैटिफिकेशन में जाके आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज की बात की है हमने। ओके, तो वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होगा कि इनडिफरेंस, कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ बेटर है कौन सी चीज़ बेटर नहीं है, ठीक है जी। हम इनडिफरेंट हैं कि दो कास्ट में शादी हो तो हो जाए, कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम वैल्यू अटैच नहीं करते कास्ट के साथ, बंदा अच्छा होना चाहिए। ओके, एंड देन उसके बाद की ओपिनियंस या फिर वैल्यूज ना हो किसी मैटर में तो भी वैल्यू न्यूट्रलिटी कहलाती है। तो अभी आपको मैं चाहता हूँ समझाना यहाँ पे एक और चीज़ कि इसीलिए ऐसा हो सकता है कि ना ये ऐसा हो पाना अनरियलिस्टिक भी हो सकता है कि अनरियल हो गया, कि ऐसा सोच ही नहीं पा रहे आप कि किसी चीज़ को बेटर बोलूँ किसको ना बेटर बोलूँ। एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी वाले जो होंगे, वैल्यू न्यूट्रलिटी वाले क्या होंगे, ये किसी को भी बेटर नहीं बोलते होंगे, सभी इनके लिए बराबर हैं। तो ऐसा हमने क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसा होना अनरियल हो सकता है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई, ठीक है जी। कि जनरली कोई ना कोई तो प्रेफरेंसेस किसी ना किसी इंसान की कभी ना कभी हो ही जाती हैं। एक आपको मैं अगर थोड़ा सा सोच पा रहे हो उसको इस लेवल पे, ऐसे सोच के देखो कि लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि हर इंसान को एक क्या होना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले से ही सोच कर आए कि ये बेटर है वो बेटर नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि हर इंसान को वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, तो अगेन देखो मैं वैल्यू न्यूट्रलिटी के लिए वैल्यू अटैच कर रहा हूँ, गेटिंग इट, कि मुझे लगता है कि वैल्यू न्यूट्रल होना अच्छी बात है, देख रहे हो। तो मैं वैल्यू न्यूट्रलिटी इसीलिए अपने ही लूप में फंस जाती है, जैसे ही बोलता हूँ ना मैं आपको कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, कि मैं कोई आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता, तो मैं अपनी ही बोली हुई बात में फंस जाता हूँ, ठीक है जी। तो इसीलिए अनरियलिस्टिक हो सकती है कि ये पॉसिबल ही ना हो कभी। एंड बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे थिंकर्स हम पढ़ेंगे आगे, वो कहेंगे ये अननेसेसरी भी है कि ऐसा होना चाहिए ही नहीं, अननेसेसरी है वैल्यू न्यूट्रलिटी। इसीलिए वो बोल रहे हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी, एंड मैं आपको एक आगे टर्म समझाता हूँ, वापस आएंगे फिर हम, एंड ऑब्जेक्टिविटी, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है, कि वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये हमसे यूपीएससी भी पूछ चुका है, क्या ये चीज़ें सेम है वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये चीज़ें सेम देखो कैसे नहीं है, कहाँ पे सिमिलैरिटी है कहाँ नहीं। लेट्स से मैं एक रिसर्च करने निकला, दैट आई एम अ रिसर्चर, ठीक है, और रिसर्चर मेरे को लेट्स से ढूंढना है इंडिया में कि कास्ट क्या इम्पैक्ट है किसी इंसान की जॉब लेने पर, ठीक है जी, कि कास्ट का क्या इम्पैक्ट है किसी इंसान की जॉब लेने पर, ठीक है। मैंने रिसर्च करी और मैंने देखो पूरी रिसर्च करी, रिसर्च का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, रिसर्च करी, मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, डेटा कलेक्ट करके एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन सी कास्ट को कौन सी जॉब मिलती है, ठीक है। तो मैंने जब डेटा कलेक्ट किया तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने अपनी जो मेरी कास्ट थी उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, लेट से मेरी कास्ट थी ब्राह्मण तो मैंने ब्राह्मण पर ज़्यादा ध्यान दिया, या मेरी कास्ट थी दलित या शूद्र मैंने उन पर ध्यान दिया, नहीं, मैंने काफ़ी ऑब्जेक्टिवली रिसर्च करी, साइंटिफिक मेथड्स फॉलो किए, ठीक है, जो भी था सारे तरीके फॉलो किए, रिसर्च जब मेरा प्रोसेस चल रहा है प्रोसेस मैंने बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली किया, ठीक है जी। ये बात ध्यान हो गई आपको, इतनी क्लियर है कि अगर मैंने प्रोसेस चलाया अपना, प्रोसेस काफ़ी ऑब्जेक्टिवली चलाया, ठीक है। एंड लेकिन मैंने अंत में मैंने देखा कि ना दलित जो हैं वो काफ़ी मीनियल जॉब्स में लगे हुए हैं, मीनियल मतलब कि काफ़ी नीचे वाली निम्न स्तर की जॉब करते हैं, लेट्स से कि टॉयलेट साफ करना एट्सेट्रा, जो जितनी भी क्लास फोर वाली जॉब्स हैं सारी के सारे दलित के पास रिजर्व हुई हुई हैं, ठीक है। तो मैंने एंड में कुछ मैंने कॉन्क्लूजन दिया, एंड कॉन्क्लूजन में मेरे जो मैंने कॉन्क्लूजन में बताया कि लेट्स से कि ब्राह्मण्स के पास ये वाली जॉब है, दलित के पास ये वाली जॉब है एट्सेट्रा, मैंने कॉन्क्लूजन दे दिया। मैंने नहीं बताया उनके पास अच्छी जॉब्स हैं बुरी जॉब्स हैं, ठीक है जी, कि ब्राह्मण्स के पास ये जॉब्स, इनके पास ये जॉब, अच्छी बुरी की मैंने बात नहीं करी। अगर मैं ये करता हूँ ऐसा, तो मेरी पूरी रिसर्च क्या है, इट इज़ वैल्यू न्यूट्रल, मैंने वैल्यू अटैच नहीं करी किसी के पास अच्छी जॉब है बुरी जॉब है, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट को मुद्दा है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट को टेंशन है इस बात से कि वैल्यू न्यूट्रल क्यों हो आप। वो कह रहे हैं कि सारी जो लेट्स से टॉप पेइंग जॉब्स हैं या फिर रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं वो हायर कास्ट ने अपने पास रख ली हैं, जो लेट्स से मीनियल जॉब्स हैं जैसे भी वो लोअर कास्ट को दे दी गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को रिफॉर्म करना ज़रूरी है, कहते अगर सोशियोलॉजिस्ट ये बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो अगर मैंने लास्ट में मैंने जो अपना कॉन्क्लूजन दिया, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, लास्ट में जो मैंने कॉन्क्लूजन दिया, अगर मैं उस कॉन्क्लूजन में मैं बोलता हूँ कि देखो ये हो रहा है ब्राह्मण को ये, दलित को ये, एंड ये चीज़ ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है, तो मैं वैल्यू न्यूट्रल नहीं रहा क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू छोड़ दी है, मेरे को लगता है ये दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो अब मैंने क्या हुआ इसको मैं बोलूँगा, सिर्फ द रिसर्च हैज़ बिन डन ऑब्जेक्टिवली बट द कॉन्क्लूजन इट रिफ्लेक्ट्स सम सब्जेक्टिविटी।
कॉन्क्लूजन में सब्जेक्टिविटी है कि कॉन्क्लूजन में मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, ठीक है जी। अगर मैं वैल्यू न्यूट्रल होता तो उसमें मैंने प्रोसेस भी ऑब्जेक्टिवली किया होता, मेरा कॉन्क्लूजन भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव सा होता, मैं कुछ सजेस्ट ना करता। वैल्यू न्यूट्रल होने में आप जनरली कुछ सजेस्ट नहीं करते एंड में कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बस सिंपली रिपोर्ट कर देते हो ये हो रहा है ये हो रहा है, दैट्स इट। जिसको जैसे एनालाइज करना है जैसे इंटरप्रेट करना है करते रहे, ठीक है जी। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, इट अलाउज सोशोलॉजिस्ट टू हैव पोजिशंस और ओपिनियंस इफ इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स। जो आपने प्रोसेस चलाया हो वो साइंटिफिक हो, एविडेंस हो उसके लिए, रीजनिंग हो, लॉजिक लगा हो, ऐसे आर्बिट्री ना हो, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव कहलाते हो। एंड देन फोकस किस पर है, फोकस मीन्स पर है। जो मैंने बताया था ना रिसर्च चल रही है और किसी कॉन्क्लूजन पे पहुंचेगी, अगर रिसर्च मेरी ये मेथड साइंटिफिक मेथड्स जो रीजनिंग बेस्ड लॉजिक बेस्ड हो रही है, मेरे मीन्स सारे ये वाले हैं या मेथड्स मेरे ये वाले हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव इन नेचर हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च हूँ। और इसीलिए वैल्यूज़ और हम क्या बोलते हैं, लेकिन अगर लेट्स से आप अंत में लेट्स से अगर आपका प्रोसेस ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रोसेस में ही आपने बायसेस डाल दिए, वैल्यूज डाल दी, तो टेंशन हो जाएगी, आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहोगे, आपका प्रोसेस रिसर्च ही आपकी इट विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव एनी मोर। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वैल्यूज या पर्सनल बायसेस आते कहाँ से हैं, ये आपकी जो रेस है उससे आते हैं, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, आपके सराउंडिंग है, जैसे सिखाया गया, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं वैल्यूज़ के, है ना। जैसे आप सोशलाइज करते हो, मेरी कास्ट, किस कास्ट में पैदा हुआ मैं, किस लैंग्वेज में, किस जगह पैदा हुआ, रिलीजन में, कल्चर में, ये सब चीज़ें मुझ में बायस भर देंगी। तो या फिर अगर मैं 100 बातों की एक बात कहूं, तो वैल्यूज़ का सोर्स क्या बन के निकलता है, सोशलाइजेशन, कि किस तरह से मैंने सोशलाइज किया, वो चीज़ बहुत डिफाइन करेगी। इसीलिए मेरे ह्यूमन थॉट और एक्शन सभी चीज़ों को क्या, सोशलाइजेशन इम्पैक्ट कर रही है, कि किस तरह से मैंने सोशलाइज किया है, ठीक है। उसमें इट इंक्लूड्स माय फैमिली, इट इंक्लूड्स माय फ्रेंड्स, माय स्कूल, माय एजुकेशन, टीचर्स, सब चीज़ें इसमें शामिल हैं जो सोशलाइज करने में और मेरे जो वैल्यू सिस्टम बनाने में। ओके, तो ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी में थोड़ा सा फर्क समझ आया। एंड पॉजिटिविज्म भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे अटका हुआ है कि क्या, कि फैक्ट अलग चीज़ है, वैल्यू अलग चीज़ है। वैल्यू तो वो चीज़ है जो मैं देखना चाहता हूँ, फैक्ट वो है जो है, जो सच्चाई है, ठीक है जी। वैल्यू तो मैंने अपने हिसाब से देख लिया कि ये ऐसा होना चाहिए। तो आप खुद भी देखते हो कि एक ही चीज़ के दो लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशन दे रहे होते हैं, आपको लगता है ये कैसे है कि सच्चाई है क्या, तो सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, हमें पता नहीं, लेकिन वैल्यूज़ हैं। एक बंदा कुछ बता रहा है, एक बंदा कुछ बता रहा है, अपने हिसाब से दे रहा है, कुछ अपने हिसाब से दे रहा है, ठीक है जी। आगे हम एग्जांपल करेंगे और दो तीन बहुत ही अच्छे कोट्स हैं हमने पहले पढ़े हुए हैं, मैं आपको चाह रहा हूँ दोबारा रिवाइज कराना। जर्गन हेबरमास ने क्या बोला, सिंस ह्यूमंस स्टडी ह्यूमंस दस कंप्लीट सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं पाएगा कभी, ठीक है जी। एंड परेटो आके हमें क्या थोड़ा सजेशन देते हैं, परेटो बोलते हैं कि इसलिए सोशोलॉजिस्ट को या सोशोलॉजी को क्या करना चाहिए, वो सोशोलॉजी को पढ़ना चाहिए व्हाट इज, कि जो है, या फिर क्या बोलते हैं वो, फैक्ट स्टडी करने चाहिए सोशोलॉजी को रादर दैन व्हाट ऑट टू बी, ठीक है जी। वैल्यू मत दे, मतलब ठीक है किसी चीज़ को, कि क्या ये चीज़ होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, ये नहीं होनी चाहिए, कहते हैं सोशोलॉजिस्ट को ये ना करे, सोशोलॉजिस्ट फैक्ट स्टेट करे कि हो क्या रहे, ठीक है। उसके बाद इसको जैसे इंटरप्रेट करना है वो बाद में देखेंगे, अभी तो आप व्हाट इज़ बताओ। ओके, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, हेबरमास का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंस ह्यूमन स्टडी ह्यूमंस, बहुत ही अच्छा एक डायलॉग है। ओके, देन आपको बहुत ऑफन एक सवाल पूछते हैं कि रिसर्च करते हुए ऑब्जेक्टिविटी कहाँ कहाँ लूज हो सकती है, कहाँ कहाँ मेरे अपने पर्सनल बायसेस बीच में घुस जाएंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम, तो बस सिंपल सा इसका आंसर बनाओ कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं रिसर्च करने की, उनमें जगह जगह पर टेंशन आ सकती है, ऑब्जेक्टिविटी का लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि मैं किस चीज़ पे चाहता हूँ रिसर्च करना, वो भी मेरी चॉइस है ना, वो मेरी वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पर टेंशन हो सकती है। देन मैं किस तरह से उस सब्जेक्ट मैटर को, लेट्स से मैं चाहता हूँ कास्ट को स्टडी करना, तो मैं कास्ट में किस तरह से प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करता हूँ, वो वाली चीज़ की टेंशन हो सकती है ना, किस तरह से प्रॉब्लम फॉर्मुलेट, मुझे क्या चीज़ प्रॉब्लमैटिक लगती है क्या नहीं लगती। एंड देन उसके बाद डेटा अक्यूमुलेट करना, ऐसा हो सकता है ना, जो चीज़ें मुझे मेरे हिसाब से जो सूट करती है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे रिसर्च में, मैं उसको उठा लूँ, जिसको जो बाकी चीज़ें मुझे नज़र ही नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं काफ़ी ना पितृवाद या पैट्रियार्कल फैमिली से आता हूँ, जहाँ पर लेट्स से मैं बोलूं कि एक पेट्रियाकल कंस्ट्रक्ट ही है, आपको अगर समझाऊं तो, पेट्रियाकी आप समझते हैं, जहाँ पे मतलब मेल डोमिनेट करते हैं, एंड
ऐसे सिस्टम को हम पेट्रियार्की बोलते हैं। तो लेट्स से कि आप अपने सिंपल घर की बात बताओ, सभी मतलब मेजॉरिटी में अज्यूम कर रहा हूँ कि सभी हम पेट्रियार्कल सोसाइटी का पार्ट है, इंडिया पेट्रियार्कल है। तो जैसे घरों में खाना, शाम को खाना बनाने की टेंशन किसकी होती है? पापा की, मम्मी की? मैं अज्यूम कर रहा हूँ मतलब मोस्टली मम्मियों की होती है टेंशन रात की कि खाना बनाने की। तो ये मम्मी की टेंशन क्यों है खाना बनाने की? क्योंकि हमने जॉब ऐसे डिवाइड कर दी है कि ये वाला जो खाने बनाने वाला काम है ये लेडीज़ का है या फिर फीमेल्स का है, एंड बाकी लेट्स से खाना खाने वाला काम किसका है? मेल का। तो इस तरह से लेट्स से अब आप बोलो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूँ कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं लग रही से, आपको ये प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, तो ये आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है? ये आपकी वैल्यूज हैं, एंड वैल्यूज हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स से आप सोशियोलॉजिस्ट बन गए एंड आप रिसर्च कर रहे हो कि किस तरह से, हमारा टॉपिक भी हमें पढ़ना भी है कि डिवीजन ऑफ लेबर हुई हुई है किसमें, कहां पर? हाउस होल्ड में, घर के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हुई है, ठीक है? आप सोशियोलॉजिस्ट हो इसलिए मैं चाहता हूं आप सब लोग क्रिटिकली सोचो, ठीक है? हम ग्रेजुअली ही उस लेवल पे ले जाएंगे आपको जहां पे आप क्रिटिकली चीजों को चैलेंज करना शुरू करो, ठीक है? तो हाउस होल्ड में आपको स्टडी करना है डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हुई है कि पापा ये काम करते हैं, मम्मी ये काम करते हैं, ठीक है? जनरली मम्मी के हिस्से सारे कौन से काम आते हैं? इनडोर वाले काम आते हैं, कुकिंग, ये वो एक्सेट्रा। तो इसीलिए अगर आपको रिसर्चर बना दिया भारत सरकार ने, बोला जाके स्टडी करो कि घरों में कि औरतों पर किस तरह से पेट्रियार्की काम करती है, तो आपको घर में जाके किसी के बिठा दिया, अब आपको जाके चेक करना है, देखना है कि ये क्या क्या हो रहा है। आप नोटिस नहीं कर पाओगे कि औरतें जो खाना बनाती हैं वो कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? या फिर गलत हो रहा है या सही हो रहा है, नहीं, आपको ये एक फैक्ट नज़र ही नहीं आएगा। यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस फैक्ट, क्योंकि हमारा जो खुद का जो देखने का नज़रिया है वो क्या है? काफ़ी पेट्रियार्कल है। तो हमें डेटा वो नज़र ही नहीं आएगा, वो वाला डेटा हमें लगेगा ये डेटा ही नहीं है, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता डेटा, क्योंकि हमारे खुद की आंखों पर पेट्रियार्की का पर्दा चढ़ा है, ठीक है? ओके। और तो डेटा ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा डीपली सोचो यहाँ पर। डेटा कलेक्ट करना टेंशन नहीं है कि डेटा मैंने अपने जो थ्योरी के हिसाब से उठा लिया, जो नहीं चाहिए था छोड़ दिया, नहीं, मैं वो थोड़ा उसको और डीप चाहता हूँ आप चलो, कि जो डेटा है वो हमें नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि हम खुद भी उसी विचारधारा से ग्रस्त हैं और हमें नज़र ही नहीं आएगा इस विचारधारा में कोई कमी है, कोई गलती है, और हम डेटा ही कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा एनालिसिस, उसको एनालाइज करना किस तरह से करोगे, दैट विल अगेन डिपेंड कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, एंड हाइपोथेसिस बिल्डिंग कि क्या जो थ्योरी बना रहे हो वो किस तरह बनेगी, ये भी डिपेंड करेगा वैल्यूज़ क्या हैं, एंड टेस्टिंग, थ्योरी टेस्टिंग में अगेन एक टेंशन आएगी। अब एक एक चीज़ को मैं क्विकली, आई एम जस्ट रनिंग एवरीथिंग वेरी क्विकली, आई एम जस्ट रनिंग थ्रू अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। पहला कि हमारे था कि टॉपिक चूज करना, और इसको हमने क्या बोला कि जो चॉइस ऑफ टॉपिक है कि किस चीज़ पर रिसर्च की जाए, इसको हम क्या मानते हैं? इट इज़ कंसिडर्ड नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी। जो ऐसा क्यों कहा गया, इस पर वेबर क्या कहता है? वेबर बोलता है कि वैल्यू रेलिवेंस होनी चाहिए, या वैल्यू फ्रीडम और वैल्यू रेलिवेंस अलग अलग चीज़ें हैं। तो वेबर बोलते हैं वैल्यू रेलिवेंस होनी चाहिए। अब बहुत ही सिंपल तरीक़े है, अब ये समझो कि किस चीज़ पर रिसर्च करनी है, किस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये वाली जो चीज़ है इट शेल बी रेलिवेंट, ठीक है? अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ आपको समझाना थोड़ा सा वैल्यू रेलिवेंट के बारे में, वेबर ने क्या बोला था। तो वेबर बोलता है कि ना, जो लेट्स से जो साइंस स्टडी कर रही है वो एक अलग चीज़ है, और लेट्स से जो सोशियोलॉजी स्टडी कर रही है वो अलग चीज़ है, ठीक है? कहते हैं ये थोड़े से एलिमेंट्स वगैरह टाइप चीज़ों को समझती है, ये सोशियोलॉजी ह्यूमंस को समझती है, तो अलग चीज़ है, ठीक है? तो कह रहे कि ह्यूमंस, कहते हाँ ठीक है, मैं नकार नहीं रहा कि जनरल थ्योरीज बनानी चाहिए, साइंस बनाती है जनरल थ्योरीज, बड़ी बड़ी थ्योरीज बनाती है, सब पूरी दुनिया पे वैलिड होती हैं। कहते सोशो भी बना सकती है बड़ी बड़ी थ्योरीज, जनरलाइजेशन हो सकती हैं, लेकिन कहते जनरलाइजेशन करने से पहले ज़रूरी है कि इंसान क्या सोच रहा है, उसकी इंटरनल साइड उसके बारे में जान लिया जाए। तो इसलिए वेबर बोलता है कि इंटरनल साइड के बारे में जान लेना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? जैसे पहले वाले थिंकर थे ना, डर्कहाइम वगैरह, वो तो कह रहे थे कुछ नहीं पूछना, इंटरनल इंटरनल साइड छोड़ो, बस रिसर्च थ्योरी बनाओ। तो वेबर कहीं ना कहीं चाह रहा है इंटरनल साइड के बारे में जानना, ठीक है? और कह रहे जनरल थ्योरी बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इंटरनल साइड के बारे में जान के बनाओ। इसीलिए बोल रहे हैं कि ना, जो भी कहते हैं रिसर्च करना चाहते हो, इट शेल बी जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से कहते हैं, क्योंकि इंसानों की इंटरनल साइड को स्टडी
स्टडी कर रहे हो तो आप किसी ना किसी चीज़ के बारे में आपको बताना चाहिए कि इंसानों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ठीक है जी। जैसे लेट्स से मैं अगर जा रहा हूँ जर्मन सोसाइटी में, वहाँ पर क्या वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, फ्रेंच सोसाइटी की अलग वैल्यूज़ हैं, इंडियन सोसाइटी की अलग वैल्यूज़ हैं, तो जो भी वैल्यूज़ हैं दे शैल बी रेलिवेंट, ठीक है। वो रेलिवेंट एक वैल्यू सिस्टम आपके पास होना चाहिए, तभी आप बेटर एक सोशोलॉजिस्ट या एक बेटर रिसर्चर बन पाओगे, अदरवाइज कहते हैं रिसर्चर ही बेटर नहीं बन पाओगे। तो कहीं ना कहीं वेबर इसके आसपास की बात करते हैं और इसलिए बोलते हैं कि वैल्यू जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए इररेलीवेंट वैल्यू सिस्टम से। लेट्स से मैं इंडिया में अगर मैं थ्योरी अप्लाई करना शुरू कर दूं वेस्टर्न थ्योरीज, तो वो इररेलीवेंट वैल्यू सिस्टम है, तो हम थ्योरी अच्छी नहीं बना पाएंगे। ओके, सिमिलरली मर्टन बोलता है कि क्या टॉपिक चूज करना है वो मेरी प्रेफरेंसेज हैं, है ना, वो मेरी आइडियोलॉजिकल बायसेज हैं रिसर्चर की, तो इसको सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी के दायरे से बियॉन्ड ही रख दो। आप देखो अपना पॉइंट प्रूव कैसे करोगे एग्जामिनर को, आप बोलोगे वेबर ने बोला कि वैल्यू सिस्टम हो सकता है, सब्जेक्टिविटी आ सकती है लेकिन रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर रिसर्च हो रही है। मर्टन बोल रहे हैं कि जो ये जो चीज़ें हैं जो भी टॉपिक स्टडी करना है मुझे और वो जो टॉपिक है वो मेरी प्रेफरेंसेज हैं, मतलब रिसर्चर की प्रेफरेंसेज हैं, रिसर्चर की आइडियोलॉजी पर है, वो सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी के डिबेट से ही बियॉन्ड है, वो डिबेट का पार्ट ही नहीं है। एंड देन जैसे आप एक बोलोगे कि जैसे टॉपिक ऑफ सुसाइड है, ये अब डर्खाइम ने स्टडी किया, डर्खाइम की स्टडी करने के बाद इतने ज़्यादा सोशोलॉजिस्ट इसको स्टडी कर चुके हैं, तो अब लेट से मैं रिसर्च करने जाऊँ सोशो में, तो मेरे को लगेगा यार डर्खाइम की जो थ्योरी थी सुसाइड की उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, तो मैं कुछ और थ्योरी बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने टॉपिक कहाँ से उठाया, मैंने टॉपिक उठाया है जो मैं प्रभावित हुआ था काफ़ी डर्खाइम से, ठीक है जी। तो इसलिए मेरी मर्जी है, मेरी आइडियोलॉजी है या मेरी प्रेफरेंसेस हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे टॉप, हमारा जो पॉइंट नंबर वन था चॉइस ऑफ टॉपिक को हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी के डिबेट के बियॉन्ड है। उसमें हम वेबर का आइडिया बोल देंगे, मर्टन का आइडिया बोल देंगे, एक आधा एग्जाम्पल ले लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना कि अब मैंने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर कर दी मैंने कि मेरे को क्या किस चीज़ पर रिसर्च करनी है मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करता हूँ, लेट्स से मैं डर्खाइम की सुसाइड की स्टडी को मैं चाहता हूँ, उसमें क्या डर्खाइम की थ्योरी में मैं क्रिटिसिज्म चाहता हूँ करना, कि आई वॉन्ट टू क्रिटिसाइज या आई वॉन्ट टू क्रिटिकली इवेल्युएट कि वो थ्योरी में क्या क्या कमियाँ हैं, ठीक है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ ऑफर करना मैं, तो अगेन वो प्रिवेलिंग चॉइस पे मैटर करेगा जो इन्वेस्टिगेटर क्या डिबेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और ठीक है जी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं ये भी पहले दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी डिबेट के बियॉन्ड मानते हैं हम, ठीक है जी, कि क्या मैंने को किस सब्जेक्ट में स्टडी करनी है एंड उसमें क्या हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करके एनालाइज करनी है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी डिबेट के बियॉन्ड है, ठीक है जी। अब लेकिन आगे से कहानी थोड़ी बदलती है, यहाँ पर डेटा कैसे एक्यूमुलेट करना है ये इसमें प्रॉब्लम आएगी ऑब्जेक्टिविटी की, इसमें रिसर्चर की विचारधाराएं डेटा को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल लेंगे हमारा एक सोशो टू का एक थिंकर है आंद्रे बेटे क्या बोलते हैं जी, हमारे सोशो टू में काफ़ी थिंकर पढ़ोगे आप, बार बार पढ़ोगे आंद्रे बेटे का नाम, ए बी, इनको हम प्यार से ए बी बोले, इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा, ए बी क्या बोलते हैं, ए बी बोलते हैं कि जैसे ए बी रिसर्च करने गए जब श्रीपुरम विलेज, तो श्रीपुरम में गए थे आई गेस, हाँ, तो ए बी रिसर्च करने गए तो वहाँ पर ब्राह्मिन्स ने इनको अनटचेबल के गांव में जाने ही नहीं दिया, क्योंकि ना ए बी खुद भी वो थे फिरंगी थे एंड अदरवाइज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, लेकिन गोरी स्किन एंड ऑल, जो वहाँ पे जब यहाँ रिसर्च करने पहुँचे गांव में, गांव वालों को लगा कि अरे ये तो गोरी स्किन वाले हैं, ये तो पक्का ब्राह्मण होंगे, ठीक है। वो बोलते हैं भाई मैं कोई ब्राह्मण ब्रूमिन नहीं हूँ, मैं तो इस सिस्टम के बियॉन्ड का आदमी हूँ, मैं तो कास्ट सिस्टम का बंदा ही नहीं हूँ, मैं तो एक फिरंग आदमी हूँ, फ्रेंच हूँ मैं तो। तो लोगों को बात समझ नहीं आई, उनको लगा कोई बात नहीं है चुप रहो आप ब्राह्मण हो, एंड उनको अनटचेबल्स के विलेज में जाने से मना कर दिया गया कि आप अनटचेबल्स के विलेज में नहीं जा सकते, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बस कही सुनी बातों से समझ कर ही अनटचेबल्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ गई, तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी मतलब जो इनको लग रहा है कि अनटचेबल के साथ क्या क्या हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि फील्ड लिमिटेशन, कि जिस जगह पे आप जा ही नहीं सकते, फील्ड की लिमिटेशन है, उसके बारे में आपने अपने हिसाब से कहानी बना दी, जो भी लिख दिया समझ लिया, जैसे भी बना नहीं दी, जैसे भी कहानी समझ ली, तो फील्ड लिमिटेशन कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी, ठीक है जी। आप इसमें और लिख सकते हो कि इंटरव्यू मेथड
इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, कि इंटरव्यू मेथड में कि जैसे सवाल जवाब हो रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई आंसर दे रहा है, तो उसमें सवाल पूछने वाला किस तरह से सवाल पूछता है, ठीक है जी, और सवाल देने वाला क्या समझता है, तो वहाँ पे काफ़ी सब्जेक्टिविटी आती है, ठीक है, काफ़ी सब्जेक्टिविटी, तो समझने वाला एंड जो बोलने वाला वहाँ पे सब्जेक्टिविटी का काफ़ी आता है। और ये तो ब्रिलियंट एग्जाम्पल है विलियम वाइट का। विलियम वाइट का क्या एग्जाम्पल है, इन्होंने इटालियन क्रिमिनल्स को स्टडी किया, ये उनके साथ चले गए जेल में, और वहाँ जेल में जाके चुपके से जाके खुद ही अंदर जैसे खुद भी प्रिजनर बन के रह रहे थे इटालियन क्रिमिनल्स को स्टडी करने के लिए। एंड ये क्या लिखते हैं कि जब मैं इनिशियली जब मैं गया तो मैं उनको ऑब्जर्व कर पा रहा था ढंग से, और देख पा रहा था कि अलग से कैसे करते हैं बिहेव या वो, कहते विद टाइम मैं उनके साथ इतना घुल मिल गया, मैं उनको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा था, मेरे को डेटा मिलना ही बंद हो गया, जो अक्यूमुलेशन ऑफ डेटा थी वो ही स्टॉप हो गई, क्योंकि मैं अब ऑब्जेक्टिव रहा ही नहीं रिसर्च में, अब मैं काफ़ी सब्जेक्टिव हो गया था, अब मैं उनके साथ घुलता मिलता गया, उनसे बातचीत होती गई, अब मैंने उनकी विचारधारा मेरे दिमाग में आने शुरू हो गई, अब मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए बहुत ही ब्रिलियंट लाइन लिखते हैं ये कि आई स्टार्टेड एज अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, पहले मैं पार्टिसिपेंट नहीं था, सिर्फ ऑब्जर्व करता था, बट एंडेड एज पार्टिसिपेंट नॉन ऑब्जर्वर। बहुत ही सही लगती है मुझे लाइन ये कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर थे लेकिन क्या बन गए, पार्टिसिपेंट नॉन ऑब्जर्वर, उनके साथ ही बास्केटबॉल खेल रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ, तो ऑब्जर्व करना ही बंद कर दिया, डेटा मिलना ही उनको बंद हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या बोला कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का लॉस हो जाता है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, जो इंसान की वैल्यूज डेटा को खराब कर देती हैं या फिर डेटा को क्लाउड कर देती हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स आर ऑल्सो कलर्ड बाय व्यू पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर, कि किस तरह से आप जो फैक्ट इकट्ठे कर भी लिया आपने वो किस तरह से इंटरप्रेट करते हो, वो भी क्या किससे, इन्वेस्टिगेटर की विचारधारा से ग्रस्त होंगे। इसमें आप सिंपल एग्जांपल लो रॉबर्ट रेडफील्ड का, जो कि एक फंक्शनलिस्ट थे, एंड ऑस्कर लो इसका, जो कि एक मार्क्सिस्ट थे। रॉबर्ट रेडफील्ड फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं, जो बोलते हैं कि भाई सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेट्स से अगर कोई रिच है एंड कोई पुअर है तो देर इज़ अ रीज़न, ठीक है, देर इज़ अ रीज़न, ये रिच है ये पुअर है एंड ये आपस में को एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शनल हैं वो एक दूसरे के लिए, कि अमीर को कोई छोटे मोटे काम कराने हैं तो वो गरीब को बोल देगा, गरीब को कोई लेट्स से अगर कोई बहुत हेल्प चाहिए बड़े लेवल की तो अमीर से ले लेगा। तो क्या सिस्टम फंक्शनल है, चलता जा रहा है सदियों से, तो पक्का ये सिस्टम कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता होगा और वो फंक्शन चली जा रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए जो रॉबर्ट रेडफील्ड है, ही इज अ फंक्शनलिस्ट, कि सिस्टम चल रहा है तो देर मस्ट बी अ रीज़न, ठीक है। ऑस्कर लोइस है, ये है मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट का मतलब ये बोलते हैं कि अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर बना हुआ, ये रिच ये पुअर, ये स्ट्रक्चर काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव है, ये स्ट्रक्चर जो रिच ने अपने हिसाब से बना लिया, अपने हिसाब से चला रहा है, और पुअर के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है या डिसफंक्शनल है, या फिर ये क्या है, काफ़ी आप बोलेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। इनको मार्क्सिस्ट को कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज भी बोलते हैं, कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है रिच और पुअर में, आपस में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनलिस्ट क्या बोलते थे कि रिच और पुअर में फंक्शन चल रहा है, बिल्कुल एकदम सेट सिस्टम चल रहा है, ये बोलते नहीं, देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब ये देखो हम क्या कह रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स कहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम बोलेंगे कि ना रेडफील्ड ने और लुइस ने एक सेम विलेज को सेम टाइम पे स्टडी किया, इंटरप्रिटेशंस कितनी डिफरेंट है इनकी, ठीक है। दे स्टडी द सेम विलेज इन मैक्सिको अराउंड द सेम टाइम, बट द इंटरप्रिटेशन डिफर्ड वास्टली। रॉबर्ट रेडफील्ड सेम विलेज को बोलते हैं कि ये तो बड़ा फंक्शनल विलेज है, यहाँ पे सभी भाईचारे में रहते हैं। ऑस्कर लुइस बोलता है कि कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, अमीर किस तरह से गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो सेम चीज़ का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। एंड अब जो थ्योरी बनाओगे, आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, उस पर थ्योरी बनाओगे, थ्योरीज पर भी बायसेस का असर होता है। कैसे, जैसे डर्कहाइम ने रिलीजन की थ्योरी दी, हर चीज़ को एग्जांपल से प्रूव करना है अपने पेपर में नंबर लेने के लिए, है ना। डर्कहाइम बोलता है रिलीजन काफ़ी फंक्शनल चीज़ है, मार्क्स बोलता है रिलीजन से तो कितना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कि जो अमीर है वो गरीबों को अपनी बात मनाने के लिए रिलीजन का यूज़ कर रहे हैं, रिलीजन का गलत यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी रिलीजन की, डर्कहाइम ने फंक्शनल थ्योरी दी रिलीजन की, ठीक है। एग्जाम्पल्स अपने हैंडी रखना पेपर में ड्रॉप करने हमें। एंड देन उसके बाद
जब टेस्टिंग हो रही है, जब थ्योरी की टेस्ट करने के लिए बात हो रही है, तो रिसर्चर का बायस और सामने आएगा। जैसे कि हमारी टेंडेंसी, रिसर्चर की टेंडेंसी क्या होगी कि सेम रिजल्ट को रिप्रोड्यूस किया जाए ताकि मेरी थ्योरी वैलिड नजर आए, ताकि मेरी थ्योरी लगे हाँ भाई बिल्कुल सही है। डर्खाइम की जो स्टडी ऑफ सुसाइड है वो इसी से ग्रस्त मानी जाती है कि उसने वही डेटा को यूज़ किया अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए जो कि थ्योरी को सच प्रूव करता है। ठीक है जी, अब फाइनल हमारा सवाल उठता है यहाँ पर, मैं आपको एक बार वापस ले जाना चाहता हूँ। ठीक है जी, कि यहाँ पर हमने अपना ये कर दिया है, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी किस लेवल पे आती है, हमने सारी स्टेजेस देख ली हमने कि कौन सी स्टेज पर क्या क्या प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आ रही है। अब सवाल उठता है हमारे पास आखिरी में आके कि क्या हमें ऑब्जेक्टिविटी सोशोलॉजी में चाहिए भी, या फिर हमें सोशोलॉजी में तो हमें कि एंड में नहीं भाई थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाना ठीक रहता है, तभी तभी रिफॉर्म होगा। कि अगर सोशोलॉजी में अगर मैं सब्जेक्टिव हो जाऊंगा तभी तो मैं थोड़ी सी रिफॉर्म की बातें करूंगा कि चलो रिफॉर्म करेंगे, सही हो रहा है गलत हो रहा है, कि इसीलिए कि कितनी कितनी ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड है। ओके, अभी यहाँ पर एक बार इसको क्विकली पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी हैज़ बिन फाउंड टू बी नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल। पूरी ऑब्जेक्टिविटी, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती, ना ही कभी डिजायरेबल है। ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं इल्यूसिव गोल है कि आप अचीव कर भी लोगे कुछ खास उससे फायदा नहीं होगा। एल्विन गोल्डनर बोलते हैं कि फैक्ट एंड वैल्यू कैन नॉट बी सेपरेटेड, कि फैक्ट वैल्यू को अलग करना इम्पॉसिबल है कि किस चीज़ को फैक्ट मानते हो किसको नहीं। लेट्स से अगर आप नैक्सलाइट से पूछो कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, वो बोलेंगे जहाँ पे नैक्सल इलाका है वहीं पे कहीं पे कैपिटल है, दिल्ली को कैपिटल ही नहीं मानते, तो उनके लिए दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया इज नॉट अ फैक्ट। ठीक है जी, तो वेरी कर गया। ठीक है, आगे गुनार मेडाल वेरी फेमस है ना, वो कह रहे हैं कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी तो एक एक भ्रम है, इल्यूजन है, हो ही नहीं सकती। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि अगर मैं बोलता भी हूँ कि हमें ऑब्जेक्टिविटी से काम चलाना है, तो अगेन मैं अपनी विचारधारा प्रकट कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव होना मेरी विचारधारा है। ओके तो इट अमाउंट्स टू, एंड मेडाल की बहुत ही सही एक कुछ कोटेशन हैं आपको पता होने चाहिए, तो वो बोलते हैं कि इट अमाउंट्स टू फॉल्सिफाइंग हिस्ट्री एंड लॉस ऑफ बेसिक पर्पज ऑफ डिसिप्लिन विच इज ऑफ रिफॉर्मिस्ट। वो कह रहे हैं हिस्ट्री पढ़नी ही क्यों अगर उसे कुछ सीखना नहीं हमने, कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं बोलते हैं ना अच्छा उसने ये गलत किया या उसने ये सही किया, तो हमें दोबारा इसको दोहराना दोहराना चाहिए या नहीं दोहराना चाहिए। तो कहते हैं अगर आपने कुछ अगर अच्छा बुरा करना ही नहीं तो हिस्ट्री पढ़नी ही क्यों है फिर। ठीक है, तो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट का अगर हम टोटली ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, सब्जेक्टिविटी हटा देंगे। देन वो कह रहा है कि सोशल प्रॉब्लम्स को तो हमें पक्का ही पक्का ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं करना चाहिए। वीमेन पे अत्याचार हो रहे हैं, लोअर कास्ट पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उनको तो हमें सब्जेक्टिवली देखना ही पड़ेगा। ठीक है जी, एंड इसीलिए कहते हैं वो मीनिंग, उनका मीनिंग भी इसी कारण से निकलता है जब वो किसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम उनकी बात करते हैं कि अच्छा वीमेन की लेट से अगर बात करूँ मैं कि पावरफुल कितनी है कितनी नहीं, इंडिया में अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेट से यूएसए में अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो ठीक है हम सब्जेक्टिवों की बात करेंगे फिर कि कहाँ की बात हो रही है। एंड देन जो सजेस्टिंग सोल्यूशंस विद रेफरेंस टू सोसाइटी इज एसेंशियल, जो हमने बात करी अभी। एंड गुनार मेडाल का अगेन एक ब्रिलियंट लाइन हम बार बार पढ़ेंगे, आपको रटा देनी है लाइन। वो कह रहे हैं केओस कैन नॉट ऑर्गेनाइज इट सेल्फ इन टू कॉस्मॉस, कि केओस से आप कोई बढ़िया सी कोई चीज़ नहीं बना पाओगे अनटिल अनलेस आपके पास व्यू पॉइंट होंगे, समझो। ठीक है, केओस कैन नॉट ऑर्गेनाइज इट सेल्फ इन टू कॉस्मॉस, वी नीड व्यू पॉइंट्स, हमें व्यू पॉइंट चाहिए। एंड देन ये इन्होंने कौन सी किताब में लिखा था, द एशियन ड्रामा, अगर कोट कर दो अच्छी बात है, याद हो जाएगी, बार बार हम बोलेंगे भी इस किताब को। तो अब ऑब्जेक्टिविटी लास्ट हम करते हैं स्लाइड हमारी, कि कैसे इंश्योर हो सकती है, इंश्योर्ड सॉरी ई इंश्योरेंस नहीं हो रही, इंश्योर्ड। तो कैसे, पहला कॉम्टे बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड यूज़ करो, पॉजिटिविस्ट मेथड, मैक्रो चीज़ों को पढ़ो, अपने आप ही ऑब्जेक्टिव हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ तो ऑब्जेक्टिविटी चाहिए रिसर्च करने के लिए, हम टोटली सब्जेक्टिव हो जाएंगे काम खराब है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी कितनी चाहिए क्या, तो हमने देख लिया कितनी ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी कैसे कैसे इंश्योर की जाए वो देख लेते हैं। आपको बहुत ही ऑफन सवाल पूछते हैं कि हाउ ऑब्जेक्टिविटी कैन बी इंश्योर्ड। आप बोलो कॉम्टे ने बोला कि साइंटिफिक मेथड, पॉजिटिविस्ट मेथड यूज़ करो, मैक्रो चीज़ों को पढ़ो, अपने आप ऑब्जेक्टिव हो जाओगे। डर्खाइम भी सेम बात बोल रहे हैं कि इंडक्टिविस्ट बन जाओ, ठीक है जी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करो। ठीक है जी, वेबर बोलते हैं कि मैं आप हम पढ़ेंगे अगर वेबर में कि साइंटिफिक मेथड बनाओ, जैसे वर्स्टेहेन आइडियल टाइप्स बनाओ, इससे ऑब्जेक्टिविटी अपना आ जाएगी। ठीक है, वर्ड याद रखना वर्स्टेहेन आइडियल टाइप्स, वेबर में हम पढ़ेंगे और डिटेल में। वेबर आगे वो बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेटर को ट्रेन कर दो, इन्वेस्टिगेटर को ट्रेन कर सकते हो प्रॉपरली आप सोशल साइंसेज में, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी हमेशा मेंटेन रहेगी। फिर इन्वेस्टिगेटर क्या सोच रहा है वो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटर को कैसे आप चाहते हो सोचे वो आप पहले ही बता दोगे। ठीक है जी,
अगर मैं, और देखो ये बड़ा ही बढ़िया आइडिया है एक, कि स्टेटिंग वंस ओन बायस, अगर मैं पहले ही बता दूं कि देखो मैं इस कम्युनिटी से आता हूँ, मेरा ये धर्म है, मेरी ये जात है, ठीक है जी, और लेट्स से मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, अकॉर्डिंगली मैं पहले ही बता दूं, तो सामने पढ़ने वाला बंदा अपने आप इमेजिन कर सकता है कि मैं किस परस्पेक्टिव से लिख रहा हूँ। जैसे सिमिलरली देखते हो आप, देखते हो बहुत ऑफन अखबारों में आर्टिकल आए होते हैं, लेट्स से वो एक, जैसे मान लो अभी कोई रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी की तारीफ में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है यार ये अच्छा, ये क्या चक्कर है, नीचे पढ़ते हो, अच्छा, ये तो रूलिंग रूलिंग पार्टी का स्पोक्समैन है, स्पोक्स पर्सन है, तो ओके। तो पहले अगर बता दें वहां पर कि बायस कि आई बिलोंग टू दिस दिस पार्टी एंड अकॉर्डिंगली मेरा ये व्यू पॉइंट है, तो आप पहले से ही अकॉर्डिंगली उसको देखोगे कि किस 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 विचारधारा से आ रहा है, क्या बात चाहता है करना है वो, ठीक है जी। एंड देन पीयर रिव्यू करना, पीयर रिव्यू मतलब जो मैंने रिसर्च, जो मैंने जो भी रिसर्च करी वो मैं अपने कॉलीग्स को दे दूं, बहुत सारे कॉलीग्स को, वो कॉलीग्स को बोलूं कि आप मुझे इसको रिव्यू करो, मेरी रिसर्च को रिव्यू करो एंड मुझे क्रिटिसिज्म दो कि क्या बनता है क्या नहीं, उसके बाद जो थ्योरी का जो आउटकम हो क्रिटिसिज्म के साथ पब्लिश हो, एंड तो उससे क्या ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर्ड रहेगी। एंड देन एडवोकेट ना किया जाए कुछ, कि मैं सिंपली वही वाली बात है जो हमें पहले कर चुके हैं कि मैंने मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने बता दिया क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इट इज़ ओपन टू योर इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। एंड देन अगर टेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ करें जो कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इंश्योर कर दें, तो ऑटोमेटिकली हम ऑब्जेक्टिविटी को काफ़ी इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एंड उसके बाद फील्ड लिमिटेशन बता दी जाए, जैसे हमने ए बी में पढ़ा था, ए बी को नहीं जाने दिया कहीं पर, लीला दुबे में पढ़ेंगे, लीला दुबे को नहीं जाने दिया क्योंकि बिकॉज शी वॉज अ वुमन, तो उनको बहुत सारे फील्ड विजिट ही नहीं करने दिए, तो अकॉर्डिंगली उनके डेटा सेट में प्रॉब्लम आई, ठीक है। ट्राइंगुलेशन बड़ा ही बढ़िया वर्ड है, उसमें हमारी हर लंबस में बार बार लिख के आता है। ट्राइंगुलेशन का मतलब क्या होता है कि लेट्स से मैंने कोई रिसर्च करी, मैंने रिसर्च के बारे में मैंने पता किया ए सोर्स से, ठीक है जी, तो मैंने इससे पता किया ए सोर्स से, मैंने कोई थ्योरी बना दी, अच्छा जी मैंने रिसर्च डेटा कलेक्ट किया जो भी हुआ, तो कहते हैं अगर लेट्स से अगर आप इसको सिमिलर से किसी बी सोर्स से भी कंफर्म कर दो, सिमिलर से किसी बी सोर्स से भी कंफर्म कर दो और देखो हाँ जी थ्योरी में इंप्लीमेंट हो रहा है, हाँ जी थ्योरी में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं ट्राइंगुलेशन, कि मैंने एक ही चीज़ को मल्टीपल जगह से कंफर्म किया एंड इट शोड द सेम रिजल्ट्स, ठीक है, क्रॉस चेक किया मैंने अपने आउटकम को, तो ट्राइंगुलेशन हो गई। तो इससे कहते हैं आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी काफ़ी इंश्योर हो जाती है कि देखो दो जगह से एक सेम ही रिजल्ट आ रहा है। देन डर्कहाइम ने क्या एक बुक भी दी है, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, उसमें चार रूल्स बताते हैं, हम डर्कहाइम में पढ़ेंगे डिटेल से, ओ सी डी ई बोलेंगे, मैं आपको दोबारा से वहाँ पूछूंगा भी कि क्या थे डर्कहाइम के रूल, ओ सी डी ई, ठीक है जी, ऑब्जर्व करो, क्लासीफाई करो, डिस्टिंक्शन, एक्सप्लेनेशन, वहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी बस यहाँ पे नोट्स बनाओ, ठीक है जी। एंड देन हर्बर्ट मार्क्यूज क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी तो एक लिमिटेशन है सोशोलॉजी पर, आप ऑब्जेक्टिव हो जाते हो तो सोशोलॉजी के रिफॉर्मिस्ट एजेंडा, सोशोलॉजी के सोचने की विचारधारा, नई नई तरह की आप आइडियाज़ दे रहे हो, वही रुक जाएंगे अगर आप ऑब्जेक्टिव हो जाओगे तो। एंड मैक्स हॉकहाइमर क्या बोलते हैं कि कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजी, आज की जो सोशो है वो चाहती है कि मल्टीपल थ्योरीज आएँ, एक चीज़ पर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हो, अकॉर्डिंगली हम बेटर थ्योरी बना पाएंगे, ठीक है जी। एंड थियोडोर अडॉर्नो वो बोलते हैं कि पॉजिटिविज्म इज नेगेटिव डायलेक्टिक्स, पॉजिटिविज्म नेगेटिव डायलेक्टिक क्या है, डायलेक्टिक क्या होते हैं, डायलेक्टिक इज डिबेट, ठीक है जी। मैं लेट्स से बोल रहा हूँ कि जैसे लेट्स से रिलीजन की बात हो रही है, रिलीजन पे डर्कहाइम कुछ और बोल रहा है, मार्क्स कुछ और बोल रहा है, ठीक है जी, दोनों में द्वंद्व चलेगा कि डर्कहाइम और मार्क्स जिसकी विचारधारा, कुछ बेटर विचारधारा निकल के आएगी। सिंपल एग्जांपल के बताता हूँ आपको, देश की आज़ादी की बात हो रही है, देश की आज़ादी में लेट्स से जो मॉडरेट्स हैं कुछ और बोल रहे हैं कि हमें अंग्रेज़ों से अपील करनी चाहिए, हमें आज़ाद कर दें, गांधी जी कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, मॉडरेट एंड गांधी जी वो कह रहे हैं हमें मास, गांधी जी कह रहे हैं हमें मास मूवमेंट करनी चाहिए, ये मास मूवमेंट के खिलाफ हैं, है ना, ये गांधी जी फेवर में है, तो कुछ कुछ विचार करेंगे, विचार विमर्श की ये करना चाहिए करना चाहिए, फाइनली कुछ एक नया प्लान बनेगा जिसको कार्ल मार्क्स क्या बोलता है कि एक होती है थ्योरी, एक होता है थीसिस, उसका आता है एंटी थीसिस, थीसिस का आता है एंटीथीसिस, दोनों में जुगलबंदी होती है, नया निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं ये सिंथेसिस, कि सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है जी। तो कहते हैं ये तो हो रहा है डायलेक्टिक्स, कहते हैं पॉजिटिविज्म इज नेगेटिव डायलेक्टिक्स, नेगेटिव डायलेक्टिक मतलब कि वो इस जुगलबंदी को के फेवर में ही नहीं है। अगर पॉजिटिविज्म में क्या होगा कि एक ही तरह की विचारधारा की बात हो रही है कि सभी लोगों को ऐसे 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 चलना है, एक ही प्रोसेस दिया, इसी प्रोसेस के हिसाब से काम करो, ठीक है जी। तो पॉजिटिविज्म कहते हैं ये तो डायलेक्टिक्स को रोकता है, निगेट करता है डायलेक्टिक्स को, इसीलिए अडॉर्नो का पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक है जी। तो क्विक एक बार रिवीजन देखो, यहाँ पर हमने चैप्टर में हमने पढ़ा फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी, देन
क्विक डेफिनेशन देखी हमने, उसके बाद वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी दोनों में फ़र्क क्या होता है बात करी हमने, कुछ एक दो डायलॉग सीखे, देन ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम वेरियस स्टेजेस में कहाँ आती है। पहली दो स्टेजेस हमें हम मानते हैं ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी डिबेट यूजफुल नहीं है, फ्यूटाइल है। उसके बाद हम मानते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी का लॉस होता रहता है, मल्टीपल जगहों पर ऑब्जेक्टिविटी का लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। एंड दे हम बताएंगे कि क्या कि हमें ऑब्जेक्टिविटी चाहिए भी, कि कितनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, उसकी बात करेंगे। एंड उसके बाद फाइनली हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी अगर चाहिए तो कैसे हम उसको एंश्योर कर सकते हैं। इस पर हमने कुछ 12-13 पॉइंट्स देख लिए, ठीक है दोस्तों। तो अपना लेक्चर था ये, इस पर ऑलमोस्ट हर बार 20 टाइप मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 10-10 मार्कर के दो दिखेंगे आपको। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको इत्मीनान से भी बताया। आप यू कैन रीविजिट दिस लेक्चर एंड मे बी यू कैन रीड मोर अबाउट दिस लेक्चर इन योर हलम्बस एज वेल एज इन योर रेडजर, ठीक है दोस्तों। अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे जल्दी, थैंक यू।